हेलो, गुड मॉर्निंग। लगभग 11 बज रहे हैं, सुबह हो चुकी है। आज हमारा है डे 5, तो अभी करते हैं दिन स्टार्ट, करते हैं आज प्लान क्या करना है और फिर चलते हैं बाहर। तो ये देखो भाई, ऑफ मेटा वाले कहीं भी चले जाएं, ऑफिस पीछे नहीं छोड़ता। ये देखो बेचारे ऑफिस का काम कर रहे हैं। सुबह सुबह बालकनी में आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये अपनी घड़ी चेंज करना भूल गए क्योंकि एक ही दिन हुआ है, टाइम मूव हुए। हम देख रहे थे क्या क्या है हमारे पास। ऐसा लग रहा है थोड़ी नमक और ओरिगानो कॉफ़ी वगैरह तो है, और यहाँ पे तो इन्होंने थोड़ी प्लेट्स वगैरह दी हुई हैं, थोड़े ग्लासेस दिए हुए हैं हमारे को, यहाँ पे थोड़े कप्स वगैरह हैं चाय वगैरह के टाइप, और यहाँ पे इन्होंने थोड़े बियर के ग्लासेस, वाइन के ग्लासेस दिए हुए हैं, और यहाँ पे थोड़े बड़े कप वगैरह हैं। तो सही है, ये ऑयल का कंटेनर है। तो अभी अपने को खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए सुबह, तो अपन निकलते हैं, कुछ लेके आते हैं सुपरमार्केट से। पता नहीं कहाँ पे होगी, देखते हैं, ढूंढते हैं सुपरमार्केट आस पास। तो घर से नीचे उतरते ये ब्रिज है, यहाँ से भी एकदम शानदार व्यू आते हैं, मैं दिखाता हूँ। सिर्फ 10 मिनट वॉक है, बट चढ़ाई है पूरी, तो हमने सोचा पैदल चल लेते हैं, बट वापस आते हुए ढलान होगी और सामान भी होगा तो वो बेटर ही है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एक स्पार्क मार्केट है, अभी इसके अंदर चलते हैं। ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे कुछ ये लोग ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हैं। इन्होंने सारा घर का भी सामान रखा हुआ है, यूटिलिटीज़ का, बर्तन धोने वगैरह का। यहाँ पे थोड़ी वो सब है, वेजिटेबल्स वगैरह, और पीछे अंडे वगैरह हैं, ये सब है, और नमक वगैरह, जूस वगैरह। ये अपना मीट सेक्शन है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम खरीद के लिए हैं सामान, हमने कुछ पियर खरीदे हैं, अंडे खरीदे हैं, दूध खरीदा है, दो टाइप का था आपको दिखाया था, और ये खरीदा है हमने थोड़ा जूस, केलॉग्स, मतलब वही है चौकोस, बस थोड़े अलग टाइप के हैं, पैकेजिंग वैकेजिंग अलग है। थोड़ा बटर लिया है, और ये लिए थोड़ी वेजिटेबल्स, क्योंकि अंडा नहीं खाता था, सॉल्टे करके खाएंगे। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो बढ़िया नाश्ता वास्ता हो गया, अब जल्दी से प्लान कर लेते हैं कि आज क्या करना है वेदर वगैरह को देख के। चलो करते हैं स्टार्ट। तो अपना डे हो गया पूरा प्लान, अभी हम निकल रहे हैं सोरेंटो के लिए, तो चलो चलते हैं सोरेंटो, देखते हैं कैसा है। तो हम सोरेंटो एंटर कर चुके हैं, काफ़ी सुंदर जगह लग रही है, ये छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे। अभी हम मेन रोड पे थे, अभी कहीं पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम। तो गाड़ी कर दी है हमने पार्क, और ये देखिए यहाँ पे हमें मिली एक दोस्त। यहाँ तो पानी देख के एकदम मजा ही आ गया, देखो। आसपास भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफी सारे होटल्स हैं, और उन सारे होटल्स ने कुछ यहाँ पे शैक्स वगैरह रेंट आउट किए हुए हैं, और लोग उन पे बैठे हुए हैं। ये तो आर्टिफिशियल लग रहे हैं जो इन्होंने बनाए हुए। आसपास भी बहुत सुंदर है, काफी ज्यादा ग्रीन है। अभी हम जा रहे हैं विला कॉम्युनाले, और हम यहाँ कर रहे हैं इसका एंटर। तो यहाँ पे शायद कोई लिफ्ट है जो हमारे को लेके नीचे जानी है, तो अभी ढूंढते हैं उसे। व्यू तो इधर से भी सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा पीछे अगर आप देखो तो यहाँ पे रहे वो सब है, कैफ़े वगैरह हैं खाने के लिए, और उधर लिफ्ट है, तो लिफ्ट लेके आप नीचे जा सकते हो बीच पे। तो शायद पेड़ है, अभी वहाँ जाएंगे, पे करेंगे और नीचे चलते हैं। जो लिफ्ट है वो कैश ओनली है, तो हम लोग यहाँ से सीढ़ी ले रहे हैं,
नीचे जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पहुंच सकता है। चलो चलते हैं नीचे। तो नीचे इन्होंने एकदम एक टनल जैसी बना रखी है, अब इसको एग्जिट करते हैं और सामने बीच होगी। ये इनका कोस्ट गार्ड एकदम बीच के बगल में। तो ये बीच तो रॉकी बीच है। यहाँ पे इन्होंने सारी बोट डॉक की हुई है, काफी बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव बोट भी बना रखी है इन्होंने। से ये भाई देखो, बड़े बड़े थोड़ा मिनी क्रूज टाइप भी है यहाँ पे, और छोटी बोट्स भी हैं पीछे, और यहाँ पे कोस्ट गार्ड की बोट भी है। ये पानी में छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं, कभी कभी बड़ी मछली भी आ जाती है। ये देखो बड़ी मछलियों का झुंड। अभी हम आ गए हैं सैंड बीच पे। काफी सारी सुंदर सुंदर सी दुकानें भी हैं। क्या बोलते हैं, सिर्फ कैश चल रहा है हर जगह, तो विशाल कैश निकाल रहा है। तो कैश काम आ गया, हमने लिए जिलाटो। अभी हमें वापस ऊपर जाना है, तो हम ले रहे हैं लिफ्ट। चलते हैं, हम एक चर्च लाइब्रेरी के सामने आ गए। तो ये भी काफ़ी सुंदर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। यहाँ का तो व्यू बहुत ही अच्छा है। वो पार्किंग तो थोड़ी स्ट्रगल ही रहती है, हमने गाड़ी लगा दी है अभी, थोड़ी रोड से पे ही लगाई है। अभी 24 मिनट की वॉक है और करके जाते हैं जो स्पॉट हमें कवर करना है। बागनी रजीना जीवाना करके है कुछ, तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी। छोटी छोटी रोडें हैं, कोई फुटपाथ नहीं है, तो एकदम वाइट लाइन पे चलना पड़ता है, और टर्न्स वगैरह पे थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि भाई सामने से गाड़ी आती है उसे दिखता तो है नहीं। तो एकदम चिपक के चल रहे हैं हम दीवार से। तो चलो होपफुली यहाँ पर लोग सब सही चलाते हैं, तो सब बढ़िया होगा। तो बस अभी लास्ट 10 मिनट की इस गली के थ्रू वॉक है, और हम अपने उसमें पहुंच जाएंगे स्पॉट पे। एक दो मिनट बचे हैं, बट एकदम ढाल है, तो यहाँ तो हम एकदम तेज तेज करके चल रहे हैं। वापस आते हुए होगी थकावट मेन। ये तो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, देखिए। ऐसी ट्रेल है यहाँ पे, और अभी हम जाएंगे नीचे। देखो यहाँ से तो व्यू एकदम शानदार है। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत चढ़ाई टाइप है, तो ऊपर चढ़ाई करता हूँ और फिर वहाँ से दिखाता हूँ व्यू। हम टॉप पे आ गया हूँ मैं, ये देखिए। अभी दूसरी साइड पे जाऊँगा, वहाँ से भी एक शॉट लूँगा। सामने एकदम सोरेंटो दिख रहा है पूरा। कुछ लोग दिख रहे थे नीचे, और मेरे को लग रहा था कि शायद यहाँ से एक रॉक क्लाइंबिंग की छोटी सी ट्रेल रहेगी, बट ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुत्ता भी है उनके साथ, तो प्रॉबेबली पीछे से कोई रास्ता है। तो मैं देखता हूँ अगर कोई एक्सेसिबल रास्ता हुआ तो नीचे भी चलता हूँ। थोड़ा हार्ड टू रीच तो है ये इलाका, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ नीचे जाने की। क्लाइंब डाउन कैसा है यहाँ से, आपको हल्का क्लाइंब करके जाना पड़ेगा। नीचे आना तो डेफिनेटली वर्थ इट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी एकदम नीचे जाता हूँ। तो वीडियो में तो ये बहुत खतरनाक लग रहा हो,
होगा, बट अब देखो वो कितना ऊपर है और वहाँ से नीचे एकदम काफ़ी मतलब स्टीप क्लाइंब थी, लगभग 6-6 फुट के वो भी थे जंप टाइप। बट चलो बढ़िया रहा, बट फिर आना है यहाँ पे, अभी चढ़ना कैसे है देखते हैं। तो इस स्पॉट पे लगभग ऐसे करीब गड्ढे हैं जो काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं, तो दिख रहा होगा मुझे लगभग 7-8 फुट टाइप का गड्ढा है ये। तो अगर कोई यहाँ पे गिर जाए, किसी का सामान गिर जाए तो काफ़ी मतलब फंस सा जाएगा। चलो अब इधर से निकलते हैं और बीच में जो लगून था वहाँ चलते हैं। इधर कुछ ऐसी टनल्स है, मतलब एकदम उसके सामने ही है, हर साइड ही है, मतलब इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई क्या है अंदर जाके। यार ये तो थोड़ा सा ऐसा एरिया है, यहाँ पे होमलेस लोगों टाइप का सामान वगैरह पड़ा हुआ है और यहाँ से कोई रास्ता है बट यहाँ तो हम नहीं जा रहे, बगल वाली टनल में जाते हैं जो वहाँ पे, और देखते हैं बाहर से है उसका रास्ता। ये दूसरी टनल, अब इसमें थोड़ा क्लाइम करके जाना है जाते हैं। तो एकदम पेंटिंग वेंटिंग हो रखी है, अभी यहाँ से चलते हैं बाहर और निकलते हैं ऊपर। अभी हम जा रहे हैं नीचे और ये ट्रेल है यहाँ की, तो चलो चलते हैं। ये देखो कितना सीनिक स्पॉट है, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और थोड़ी सी स्टीप स्टेयर्स हैं। अभी तो हम एकदम लास्ट तक पहुँच गए, चलो चलते हैं नीचे। हम पहुँच गए एकदम नीचे, वो देखिए वो है वो जो डर बोलते हैं इसे, जो पानी निकल रहा है। सोच रहे हैं कि क्या उस कोने में जाया जा सकता है, मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है तो शायद पानी के अंदर से जाना पड़े या पत्थर के ऊपर से, तो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ जाने की। तो मैंने सोचा कि रास्ते में एक छोटा सा फोटो शूट करा लेता हूँ, अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं इस कोने तक, मतलब एक रॉक और पार करनी है, वही है लास्ट स्पॉट। यहाँ से ऐसा आता है व्यू, वो बैठे हैं हमारे दोस्त। काफ़ी ज़्यादा काई है यहाँ पे, तो एकदम लास्ट वहाँ पे तो नहीं जा रहा मैं, क्योंकि भाई फिसल गए तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा। चलो भाई बैठते हैं थोड़ी देर और फिर चला जाए वापस। तो भाई हम आ गए हैं वापस और अब हम चलते हैं ऊपर, अब पूरे गीले हो चुके हैं नीचे से ऊपर तक। अभी करते हैं लगभग 1 घंटे का रूट है गाड़ी तक, तो चलो चलते हैं। तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है, ये देखिए व्यू, रोड पे पहुंच गए, बस गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बस अब हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं घर, अभी थोड़ी बारिश हो रही है तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। तो लास्ट स्पॉट पे तो मैं पूरा का पूरा गीला हो गया था, अभी हम घर आ चुके हैं तो मैं एकदम नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और मैंने कुछ कुछ अपने जूते वगैरह सूखने के लिए भी लगा दिए, तो बस ये सूखते हैं और उसके बाद निकलते हैं कहीं डिनर के लिए। तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, तो चलो निकलते हैं। कर दिया हमने पार्क, अब हम चल रहे हैं रेस्टोरेंट में।
इसका नाम ला मसीना है और अभी अपन इसके अंदर चल रहे हैं। ये देखो ओपन किचन है, दिखा रखा है उन्होंने पूरा। तो देखो ऊपर जो मेन नाम लिखा है वो तो इटालियन में लिखा है, बट नीचे हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो लगता है बहुत टूरिस्ट आते होंगे। विशाल ने मंगाया है मजल्स और अनमोल ने मंगाई है रावियोली। लज़ानिया और नौकी भी आ गई है, बस अब पिज़्ज़ा बचा है। पिज़्ज़ा भी आ गया है, वो यहाँ का स्पेशल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं वापस। थोड़ा लेट भी हो चुका है, 11:12 हो चुके हैं, तो इसके बाद थोड़ी देर में सोने ही चलेंगे। तो हम आ चुके हैं घर, घर आके हमने की खूब सारी मस्ती और बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया रहा आज का दिन। हमने खूब सारा एडवेंचर किया, खूब जगह घूमे, बहुत बहुत सुंदर जगह देखी। कल के लिए भी इसी टाइप के प्लान्स हैं, तो चलो अभी चलते हैं सोने और मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट।